वेलकम टू कंप्यूटर साइंस ट्यूटोरियल चैनल। इस ट्यूटोरियल में आज हम सीखेंगे एक्सेल में आप किस तरह से रॉ और कॉलम को सेलेक्ट और अनसेलेक्ट कर सकते हो शॉर्टकट की हेल्प से। लेट्स इसके लिए मैंने यहाँ पर अपने पीसी पर एक book1.xlsx फाइल बना रखी है। सबसे पहले मैं इस फाइल को ओपन करूंगा। ओपन करने के बाद आप देख सकते हैं इस एक्सेल शीट में 10 रोज है एंड 5 कॉलम्स है। सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूं रॉ सिलेक्शन यूजिंग शॉर्टकट की। फॉर एग्जांपल मेरी रिक्वायरमेंट ये फोर्थ रो मुझे कंप्लीट सिलेक्ट करनी है, तो किसी भी रो को अगर आप सिलेक्ट करना चाहते हैं तो जस्ट उस रो में किसी भी सेल पर क्लिक कर दें और क्लिक करने के बाद कीबोर्ड से शिफ्ट स्पेस बार की को प्रेस करें। तो जैसा कि आप देख सकते हैं फोर्थ रो सिलेक्ट हो गई। अगर आपको इसको अनसेलेक्ट करना है तो कोई भी एरो की आप प्रेस करके रो को अनसेलेक्ट कर सकते हैं। सिमिलर अगर आपको 8 रो को सिलेक्ट करना है तो कहीं पे भी आप क्लिक कीजिए और शिफ्ट स्पेस बार प्रेस कर दीजिए। अगेन अनसेलेक्ट के लिए कोई भी एरो की अप एरो डाउन एरो आप प्रेस कर सकते हैं। सिमिलर रिक्वायरमेंट हो सकती है आपको कॉलम को सिलेक्ट करना है। कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए आप किसी भी कॉलम के अंदर, फॉर एग्जाम्पल मुझे कोर्स कॉलम को सिलेक्ट करना है तो कोर्स कॉलम में किसी भी सेल पर आप क्लिक कर दें और क्लिक करने के बाद कीबोर्ड से कंट्रोल स्पेस बार प्रेस करें तो आप देख सकते हैं कोर्स कॉलम सेलेक्ट हो गया। अगर इस कॉलम को आप अनसेलेक्ट करना चाहते हैं तो कोई भी एरो की आप प्रेस कर दें, कॉलम ऑटोमेटिकली अनसेलेक्ट हो जाएगा। अगर आपको फी कॉलम सेलेक्ट करना है तो सिमिलर प्रोसेस है, क्लिक कीजिए उस कॉलम के अंदर और कंट्रोल स्पेस बार प्रेस कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका फी कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आपने देखा कि कंट्रोल स्पेस बार से हम कॉलम सेलेक्ट कर सकते हैं और शिफ्ट स्पेस बार से हम रो को सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो आप इस वीडियो को फेसबुक, ट्विटर, ब्लॉगर पर शेयर कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी क्वेरी है तो आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, आप मुझे मेरे ईमेल एड्रेस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं या मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।